सुना देखा भी है, सब लोग सुनने के बारे में बहुत सारा है। चुंबक क्या है और इसको चुंबक ही क्यों कहा जाएगा? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? मैग्नेट कहते हैं। बताओ मैग्नेट क्यों कहते हैं? आकर्षित करता है उसको। ये नाम क्यों पड़ा इसका? ये सबसे पहले एक पत्थर के रूप में देखा गया। चुंबक जो है जैसे कोई देव विधे पत्थर वत्थर जो होते हैं उसी रूप में ये देखा गया। लेकिन भी जो क्षेत्र आता था उस जगह में ये थे, जगह का नाम था मैग्नीशियन प्रांत, जैसे राजस्थान का ऐसे ही एक प्रांत को आकर थी मैग्नीशियन। और मैग्नीशिया में एक पत्थर मिला था, उस पत्थर के पास में कोई भी कोई किसी को बुलाते थे तो वो आकर्षित करता था, तो उस क्षेत्र के लोग क्या कहने लगे उसको? मैग्नीशिया वाला पत्थर। अब मैग्नीशिया वाला पत्थर, तो मैग्नीशिया वाला पत्थर कहते कहते वो क्या पड़ गया? मैग्नीज कहने लगे उसको, और मैग्नीज से वो क्या बन गया? मैग्नीज। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नीज। और मैग्नीज से ही ये आगे चल के फिर ये धीरे धीरे पूरे देश वर्ल्ड में फैल गया। तो इसमें आकर्षण का गुण था, पदार्थों को आकर्षित करने का गुण, उस गुण के कारण इसको क्या कहने लगे? चुंबक। हम लोग यहाँ पे उसको चुंबक है, चुंबक है। अदरवाइज इसका मैग्नेट जो नाम पड़ा है वो मैग्नीशिया प्रांत के कारण। अब ये जो मैग्नेट है इनके कारण क्या रहते हैं कि ये चुंबकीय गुण? इसका कारण ये रहता है कि इसमें बहुत जो पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु होते हैं, वो अणु सभी अणु के मध्य में क्या होता है? एक गुण पाया जाता है कि वो आंतरायणिक बल लगता है। वो अणु जब एक दिशा में होते हैं यानी पदार्थों में सब में छोटे मैग्नेट होता है, लेकिन जैसे ये पदार्थ है इसमें अणुओं की डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, कोई इधर है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन है। अब अलग अलग डायरेक्शन है, ये खींचता है तो दरवाजे को खींचता है, ये दरवाजे को खींचता है, ये दरवाजे को, अलग अलग डायरेक्शन से खींचता है, एक दिशा में बल नहीं लगता तो वो वस्तु हिलेगी नहीं, अपने तरफ आकर्षित नहीं होगी। भाई हम लोग एक बस है उसको अपन धक्का दे के घुमाना चाहते हैं, अब एक तो उसके इधर धक्का दे रहा है, एक सामने से दे रहा है, एक इधर से दे रहा है, एक इधर से दे रहा है, तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसी तरह से ये जो है ये इस तरह से रहते हैं अपने अंदर। अब इस तरह से रहते हैं तो उनको क्या करते हैं जब मैग्नेटिक, हम क्या करते हैं इसको करंट देते हैं, करंट देके इसको डायरेक्शन देते हैं, और इसको डायरेक्शन देके इस डायरेक्शन में इनको सबको इस डायरेक्शन में कर देते हैं तो सबके एक दिशा हो जाती है। एक दिशा जैसे ही होती है तो ये क्या करने लग जाता है? आकर्षण का गुण आ जाता है इसमें। तो ये कैसे होता है? देखो इसमें किसी भी पदार्थ का वैसे लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना क्वेश्चन बने वही लिखना। किसी भी पदार्थ का प्रत्येक अणु समय में एक संपूर्ण चुंबक होता है, समय के अंदर एक संपूर्ण चुंबक होता है। लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। चुंबकीय पदार्थों में ये आण्विक चुंबक याथार्थिक व्यवस्थित रहते हैं। याथार्थिक व्यवस्थित का मतलब हो गया याथार्थिक अव्यवस्थित। जब उसमें याथार्थिक अव्यवस्थित है तो उसमें चुंबकीय गुण क्या रहते हैं? और याथार्थिक रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है ना? तो जिससे पदार्थ का कुल चुंबकीय आगुण शून्य होता है, इसके कारण इसका कुल चुंबकीय आगुण क्या रहता है? शून्य रहता है, गुण नहीं होता है। और चुंबकित करने पर ये आण्विक चुंबक नियमित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित हो गए।
व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पदार्थों में कुल चुंबक के आपूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पदार्थों में कुल चुंबक का आपूर्ण क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। जब ये व्यवस्थित हो जाता है तो ये क्या करने लग जाता है, चुंबक के गुण धारण कर। अगर सुन अब बात आती है कि हम लोग जो चुंबक काम में लेते हैं वो क्या होता है, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक। हमने जितने भी चुंबक देखे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, छड़ चुंबक, यानी ऐसे ही तो होते हैं रोड के रूप में। एक पे एम पोल और एक पे ऐसे रहते हैं जो छड़ के रूप में रहते हैं, उन चुंबकों को क्या कहते हैं हम लोग, छड़ चुंबक कहते हैं। छड़ चुंबक की खास बात होती है कि इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इनका नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ही क्यों पड़ा, चुंबक को अपने यदि किसी धागे से बांध के लटका देते हैं और लटका के उसको ऐसे हिला के छोड़ दें, तेजी से हिला दें और हिला के छोड़ देते हैं हम, तो ये जब व्यवस्थित होकर रुकती है, चारों तरफ ऐसे घुमा के अपन छोड़ देते हैं, चारों तरफ यूँ घूमती है वो और घूम के जब छोड़ देते हैं हम लोग, तो जब ये आके रुकती है तो इसकी खास बात रहती है कि एक सिरा उत्तर की तरफ पृथ्वी के उत्तरी की तरफ और एक दक्षिण की तरफ व्यवस्थित रहता है। तो जो जो सिरा उत्तर की तरफ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिण ध्रुव। इस तरह से इनके ध्रुवों के नाम। अब ये जो ध्रुव हैं ये दोनों सिरों पे होते हैं, और चुंबक में एक बात होती है कि हम लोग देखते हैं कि चुंबक में घूमे ये दो ध्रुव निश्चित हैं और हम देखेंगे इसको तोड़ के एक ध्रुव अलग कर दें और एक ध्रुव अलग कर दें, जो संभव नहीं होता है। यदि इसको यहाँ से हम काट देते और काट के अलग अलग कर लेते हैं तो दो दो भाग बढ़ेंगे, जो चुंबक के दो भाग बढ़ेंगे उन दोनों पे वापस वही को आपको देखेंगे, इधर वाला सपोज एन था और ये एस था, अपन ने देखा है कि इसको काट देते हैं और ये पोल एन अपन अलग कर देते हैं, ये पोल एन अलग कर लेंगे तो इधर की तरफ दूसरी तरफ स्वतः ही एस पोल उत्पन्न हो जाता है, निर्मित हो जाता है। तो इस तरह से एकल ध्रुव संभव नहीं होता, चुंबक का एकल ध्रुव संभव नहीं होता है कि चुंबक में एक ध्रुव आ जाए, ठीक है ना। तो एक छड़ चुंबक में दो समान और विपरीत प्रकृति के ध्रुव होते हैं, दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं, ये एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। ये ध्रुव छड़ के ठीक सिरों पर न होकर थोड़े से अंदर होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये चुंबक आपका और यहाँ पे ध्रुव, यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। दो ध्रुवों के बीच की न्यूनतम दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, यानी ये दो ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच की ये जो लंबाई है इस लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग, प्रभावी लंबाई कहते हैं। एक तो चुंबक की लंबाई होती है और एक ध्रुवों के बीच की लंबाई होती है, तो दोनों ध्रुवों के बीच की जो सीधी लंबाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं, प्रभावी लंबाई होती है, जो कि ज्यामिति लंबाई से थोड़ी कम होती है। ज्यामिति लंबाई कौन सी होती है, जो मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है अपना, तो ये पूरी जो लंबाई है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये तो क्या कहलाएगी, इसकी ज्यामिति लंबाई कहलाएगी। और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों आपके ध्रुव हो गए, तो ध्रुवों के बीच की सीधी जो दूरी है वो क्या कहलाएगी आपकी, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई का मतलब ये हुआ कि दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी है जो कार्य कर रही है, वो दूरी क्या कहलाएगी आपकी, प्रभावी लंबाई, ठीक है। और चुंबक के सारे जो चुंबक के गुण हैं वो इनके ध्रुवों पे व्यवस्थित होते हैं, यदि किसी वस्तु को आप लेके आते हो तो सबसे तेजी से वो ध्रुवों पे आकर्षित करेगी, सबसे तेजी से वो ध्रुवों पे आकर्षित करती है, ये नहीं कि कैसे भी वो आकर्षित करते हैं, ध्रुवों से सबसे ज्यादा आकर्षित करती है।
अब जो ये धुए है इनकी जो माँ होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम देखते हैं कि विद्युत की माप इतनी है, इनकी माप इतनी है, इनकी माप इतनी है, तो जो ध्रुवे हैं उनकी भी एक माप होती है। उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हें सोचा है कि इनकी भी माप अलग अलग होती है। यदि कोई भी चुंबक है उनकी इस ध्रुवे की और इस ध्रुवे की माप एक समान होगी, लेकिन विपरीत प्रकृति की होगी। यह आकर्षण का गुण रखता है तो यह प्रत्याकर्षण का गुण रखता है, एक में आकर्षण का गुण होता है और एक में प्रत्याकर्षण। जैसे हम लोग देखते कि सर ऐसा कैसे होता है कि दो चुंबकों को हम पास लाते हैं तो सेम ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रत्याकर्षित करते हैं। यानी एन के पास एन लेके आओगे ना तो ये इसको पकड़ेगा नहीं, दूर धकेलेगा, आप जोर लगाओगे धक्का लगेगा, और एन के पास एस लाओगे तो उसको पता से ही पकड़ लेगा। तो ये विपरीत प्रकृति के होते, ठीक है ना, विपरीत प्रकृति के होते। तो ये जो होता है उनका जो गुण होता है वो कितना होता है, उनका ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। यानी जितना उसका खेचने का जो है उसको कहते हैं हम लोग ध्रुव सामर्थ्य। इसे एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से, ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। अब देखो ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य को चुंबकीय आवेश भी कहा जाता है। चुंबकीय आवेश भी कहा जाता है, ध्रुव सामर्थ्य को चुंबकीय आवेश भी कहा जाता है। और ध्रुव सामर्थ्य है ये एक अदिश राशि, ध्रुव सामर्थ्य है ये एक अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ध्रुव सामर्थ्य का। क्योंकि देखो आवेश का मात्रक सब पढ़ते हैं, धारा का मात्रक सब पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अपने नजर में नहीं आया ना, जबकि चुंबक के बारे में बहुत सारा है विज्ञान में। तो ध्रुव सामर्थ्य की इकाई क्या है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य की इकाई एम्पियर मीटर या न्यूटन प्रति टेस्ला, टेस्ला, न्यूटन प्रति टेस्ला। ये जो ध्रुव सामर्थ्य है ये किस किस बातों पर निर्भर करता है, यानी किसकी ज्यादा है ध्रुव सामर्थ्य और किसकी कम है, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये ध्रुव सामर्थ्य जो है ये जिस पदार्थ से चुंबक बना हुआ है उस पदार्थ के एक तो प्रकृति पर निर्भर करता है कि ये पदार्थ कौन सा है। जैसे मां हम जो मैग्नेट बनाते हैं, एक तो आजकल जो कृत्रिम मैग्नेट भी बनने लगे, तो एक तो अपन ने नरम लोहे का बनाया है, एक कठोर लोहे का बनाया है, अपन ने कॉपर का बनाया है, स्टील का बनाया है, तो इन अलग अलग पदार्थ हो गए। तो इन अलग अलग पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कौन सा पदार्थ अपन ने उपयोग किया गया है, उसी के अनुसार उसका क्या होगा ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है ना। एक तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एक काट के क्षेत्रफल पे, काट के क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि जैसे ये जो मोटाई है, काट के क्षेत्रफल का मतलब आता है तो पदार्थ की जो मोटाई है, जैसे इसको यहाँ से काटेगी तो सामने का क्षेत्रफल ये बनेगा, ये क्षेत्रफल क्या कहलाता है इसका, काट का क्षेत्रफल। जैसे इसको मान लो यहाँ से अपन काटते हैं इसे, तो काटते तो सामने का क्षेत्रफल ये बनता, तो ये क्या कहलाएगा, काट का क्षेत्रफल। ध्रुव सामर्थ्य का मान चुंबक की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
यानी चुंबक छोटी हो या बड़ी हो, लंबी ज्यादा हो या छोटी हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है, उसके काट के क्षेत्रफल का फर्क पड़ता है। उसका काट का जो क्षेत्रफल है उसी का फर्क पड़ता है। अब चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ा रहा हूं। चुंबक के द्विध्रुव, चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, ये होता क्या है? चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, ये चुंबक की सामर्थ्य को व्यक्त करता है, चुंबक की सामर्थ्य को या क्षमता को, चुंबक की क्षमता को निरूपित करता है। यह सदिश राशि, यह सदिश राशि आपको उन्हें बताया ना, सदिश और अदिश हमने चैप्टर पढ़ा था, तो सदिश और अदिश क्या सब इकाइयों के साथ में अपन लोगों से एग्जाम में आता है कि निम्न में सदिश राशि कौन सी है, ये राशि सदिश है या अदिश है, ऐसा पूछ लेते हैं ना। अब हम लोगों ने जब ये जब पढ़ते जाए तो सबके साथ में एक एक का नाम पढ़ते जाएंगे, सदिश है या अदिश है, सदिश है या अदिश, तो सबकी पहचान हो जाएगी ना हम लोगों को। इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना होता है। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका ये चुंबक हो गया, सपोज करो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी को यदि मैं 2a कह दूं या 2l कह दूं, 2l इसलिए कहा गया है, इसको 2 का नाम इसलिए दिया गया कि ये मध्य भाग हो गया, इधर वाले भाग को अपन l कहते हैं, इधर वाले भाग को l कहते हैं, तो टोटल को क्या दे दिया आपने, 2l दिया, ऐसा कहा गया है। इसको टोटल को एल भी कह सकते हैं, हमारे क्या के जो चुंबक की कुछ कैलकुलेशन होती है उनको ध्यान रखने के लिए इसको 2L रिप्रेजेंट करते हैं, यानी टोटल लंबाई को 2L कहा गया है। और इसका ध्रुव सामर्थ्य कितना है, M, इधर वाले का M होगा तो इधर वाले का कितना होगा M, तो आघूर्ण का मान कितना होगा, कैपिटल M बराबर M इंटू 2L, M इंटू 2L, तो M into 2L जो है ये इसका क्या होगा, ध्रुव सामर्थ्य, ये इसका सामर्थ्य होगा, इसकी इकाई होती है। अब देखो M ध्रुव सामर्थ्य है, इसकी इकाई क्या दी थी अपन ने, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर दी, और ये क्या होगी लंबाई, तो लंबाई की इकाई क्या होती है मीटर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर, ये तो एम्पियर रह गया, एम्पियर और मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसकी इकाई क्या हुई एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसकी इकाई हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबक तो हमें क्या बहुत सारी राशियां होती हैं जो अपन लोगों को जनरल में काम नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, जनरल साइंस में अपने काम नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे अपने पास में है चुंबक के बलरेखा, अब चुंबक के बलरेखाएं क्या होती है ये तो समझना चाहो तो समझ लो, अपने चुंबक के बलरेखाएं क्या होती है, चुंबक के बलरेखाएं ये होती है कि हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से आप बैठे हैं और वहाँ लोहा पड़ा है, उस लोहे की तरफ यूं दूर से भी करते हैं तो लोहे को कटाक्ष से खींच लेता नहीं। अब हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को वहां से यहां तक खींच के लाते हैं हम लोग, तो उसको क्या करते हैं अपन,
जैसे इनके ले जाते हैं तो रस्सी बांधते या उसको पुश करते हैं किसी डंडे से, किसी रस्सी से, किसी और से, उसके द्वारा पुश किया जाता है, तो उनके बीच में कोई माध्यम तो होता है। तो अब यहाँ पे बात यह आई साइंटिस्टों के सामने कि सर ये चुंबक यहाँ रख दिया और यहाँ पे लोहे की वस्तुएं पड़ी हैं, उनको ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो ये आकर्षित कर रहा है तो बीच में क्या माध्यम आ रहा है, तो उस माध्यम को क्या कह दिया उन्होंने, काल्पनिक बल रेखा। अब जो चुंबक को खींच रहा है तो चुंबकीय बल रेखा, आकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रहा है तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल रेखा, विद्युत खींच रहा है तो विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। इस तरह से आपके पास में क्या होती है, ये बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, गुरुत्वीय बल रेखाएं, क्या अलग अलग होती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं ये कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ की तरफ जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से तो बाहर की तरफ निकलती है और जाके कहाँ पे मिलती है, ये साउथ पोल पे जाती है। नॉर्थ पोल से इस तरह से ये मैग्नेट निकलती है और इधर जाके ये ऐसे बल रेखाएं चलती है। सभी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, जितनी भी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और जैसे जैसे ये दूर जाती जाती है यानी नजदीक आती है चुंबक के, वहां वहां पे इनका मान क्या, ये क्या रहती है, पास पास होती हैं, दूर जाती हैं तो ये दूर दूर होती जाती है। जितनी बल रेखाएं नियरेस्ट में ही जहाँ पे बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल पास पास में आ गए, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ देख रहे हैं दूर दूर है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। ऐसा हम लोग ये बल रेखाएं इस तरह से निकलते हैं। कुछ बल रेखाएं इतनी दूर से आती हैं कि वो यहाँ तक पहुंचती नहीं है, बीच में खत्म हो जाती है, बीच में ही खत्म हो जाती है, ये इनका कारण रहता है। ये आपकी बल रेखाएं, बल रेखाएं सभी बलों में होती है, सभी में होती हैं बल रेखाएं, तो विद्युत में होती है तो उनको विद्युत बल रेखाएं कह देते हैं, चुंबक में होती है तो चुंबकीय बल रेखाएं कह दी, गुरुत्वीय में होती है तो गुरुत्वीय बल रेखाएं, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं ही है ये पूर्ण रूप बढ़ाती है, बाकी में नहीं बढ़ाती। चुंबकीय बल रेखाओं पे डायरेक्शन जो होती है वो चुंबक के भार को नॉर्थ पोल से साउथ पोल की यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ध्रुव की तरफ होती है, और अंदर जो है ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। अगर सुन ये रहता है, अब एक होता है आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स समझ लो, ये पूछा जा सकता है क्योंकि विद्युत फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स देखो बल रेखाएं हम लोगों ने पढ़ ली, तो एक ऐसा बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद काल्पनिक पृष्ठ हम लोग कल्पना करते हैं कि कितना बंद पृष्ठ है, या यूं कह दें कि किसी क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कह देंगे हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स कह देंगे। सपोज करो ये इधर वाली दीवार है, ये तो आपका नॉर्थ पोल है, और इधर से निकल के इधर की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, ये अपन ने बीच में एक क्षेत्र लगा दिया। अब यहाँ से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसके अंदर से गुजरेंगी ना, इसके अंदर से गुजरेंगी, तो इस क्षेत्रफल में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। यदि गुजरने वाली बल रेखाएं चुंबक की हैं तो फ्लक्स क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। यदि गुजरने वाली बल रेखाएं विद्युत की है तो क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स। यदि गुजरने वाली बल रेखाएं गुरुत्वीय की है तो गुरुत्वीय फ्लक्स। ये तो परिभाषा हो गई ना क्लियर, ये डाउट है तो इनको क्या कहते हैं अपन लोग, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसका होता है सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली
सतह से अभिलंबवत, देखो यहां से चुंबक जो है इसके ये सतह है, यहां से तो लंबवत ही निकलती है नहीं। जैसे अपन ने ये क्षेत्र लिया, ये क्षेत्र लिया तो यहां से जो आई वो इस तल के तो लंबवत होगी कि नहीं होगी, यहां 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएंगी ना, तो सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से शब्द चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। शब्द चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स का? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऐसा ही मात्रक वेबर है। वेबर ऐसा ही मात्रक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको पता ना फ्लक्स को फाई से, अब फाई के साथ में ई लग गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई के साथ में एम लग गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और सिर्फ फाई लिखते हैं तो फ्लक्स, ठीक है ना भाई। अब यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या हो गई? वेबर। और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक अलग अलग इकाइयों में होता है ना, तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा इसका? सीजीएस मात्रक आप तो कहते हो हम जीएस पढ़ रहे हैं, जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तब से तुम लोगों का एक भी उत्तर नहीं आया। तुम कहते हो कि हम लोग जूसेट पढ़ते हैं, जूसेट तो हमने सारे पढ़ लिए, उसमें सब लिखे हुए, ये क्यों नहीं समझ में आ रहे हैं? उनका वजह यही है कि हम डिटेल पढ़े ही नहीं, क्योंकि मैग्नेट की तीन लाइन पढ़ के तो पूरा मैग्नेट कर देते हैं। तीन से पांच लाइन लिखी हुई होती है हर टॉपिक में, अब तीन से पांच लाइन पढ़ोगे तो कहां समझ में आएगा। उन लोगों को यह तो पता होना चाहिए कि इसको आदमी कहते हैं तो आदमी के गुण क्या होते हैं, इसको गधा कहते हैं तो आदमी और गधे में क्या अंतर है, शेर और कुत्ते में क्या अंतर है, दोनों को देख के पहचानना चाहिए ना। वैसे ही अपने को फ्लक्सों में भी तो अंतर पता होना चाहिए। तुम्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, किताब दे दी सामने पढ़ना लिया, राम राम का बाप दशरथ था, दूसरी किताब में लिखा हुआ गया राम का बाप बाबर था, राम का बाप बाबर था, उसको ये पता नहीं कि बाबर था कि दशरथ था, कौन क्या होती है, धर्म क्या होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको लिखा हुआ वैसे पढ़ते जाना, बोलते जाना है, बोलते गए दिमाग में याद हो गए तो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। हमारे साथ यही तो होता है साइंस में, याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैग्नेट क्या होता है, चुंबक किस तरह से कार्य करता है, चुंबक होता क्या है। हम लोग तो देख लिया, हाँ चुंबक होता है वो रेडियो के अंदर लगा होता है ना, उसका स्पीकर होता है, उसको तोड़ते हैं तो निकलता है गोल सा, उसको अपन लेके आते हैं तो लोहे के पास लाते हैं तो बड़ा मजा आता है, छोटे बच्चे तब कहते थे ना ऐसे, उसके पास ला के करते तो बड़े मजा आता था, उसको चिपकता है, एक को चिपका लिया, दो को तोड़ के चिपका लिया, तीन को चिपका लिया, मैग्नेट हो गया काम, मैग्नेट हो गया। उसको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वो मजे ही बढ़ जाते हैं, हमने भी अपने मैग्नेट का मजा लिया, मैग्नेट अपना मजा ले गई एग्जाम में, क्योंकि हमने उससे समझ लिया। जिन चीज़ों को अपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी है वो बताऊँ आपको, जिन चीज़ों को हमने देख लिया ना उसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं क्या पढ़ना है। लाइट की बात करते हैं, कहते हैं हाँ लाइट आती है ना अपने घरों में, वही तो होती है, बल्ब लगाया चस गया, बल्ब लगाया जल गया ना, देखो लाइट आ रही है, रोशनी हो गई, रोशनी आने काम आती है लाइट, क्या पढ़ना है इसका, लाइट तो लाइट होती है, याद आ गया ना, उसके ऊपर अपन ज्यादा बोल नहीं करते, जबकि क्वेश्चन नहीं क्या आते हैं और अपने को आता भी नहीं। हम लोगों से पूछ लिया जाता है सूर्य को रोज देखते हो भाई, कभी सोचा है सूर्य का भी टेम्परेचर अलग, सूर्य के ऊपर भी तापमान होता है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? और उसके केंद्र भाग का अरे तुम मेरा वीडियो ही देख लिया करो, उसमें सारी चीजें याद आती हैं। कितना होता है 10 की पावर 7 केल्विन,
मतलब क्या होता है? नेक्स्ट वेब। वीडियो भी है ना, क्वालिटी देख के देखते हैं, ये नहीं देखते इसमें बोलने वाला है। जब लोग पढ़ाने वाले की जो क्वालिटी देखते हैं ना, तो ये देखते हैं वीडियो सुंदर बना कि नहीं बना, आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, नहीं यार वीडियो सुंदर। यानी मेरे पास में जब मैं वीडियो डालने लगा हूँ, उसके बाद में लोगों के जो कॉल आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सर बाकी तो बढ़िया है, थोड़ी लाइटिंग सुधार दो। अरे ये क्यों नहीं देख रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ठीक है कि नहीं है, वो तुम्हारे मतलब का है कि नहीं, उसके ऊपर गौर नहीं करता है। कहता है बाकी तो सर आपका वीडियो बढ़िया आ रहा है, लेकिन थोड़ी लाइटिंग सुधार दो। कोई कहता है सर आपके जो पंखा चलता है उसकी आवाज़ आती है, तो उसे सुधार दो, उसको सुधार दो, फिर आपका वीडियो बढ़िया है। तो मेरे को वीडियो की क्वालिटी थोड़ी देखनी है, मेरे को पढ़ा रहा हूँ वो बढ़िया है कि नहीं, उसके ऊपर गौर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तू वीडियो की क्वालिटी देख रहा है, मेरे पढ़ाने के तरीके को नहीं देख रहा। तो भाई इनको पढ़ लिया करो, देख लिया करो, अपने को किसी और के लिए नहीं डाल रहे, अपने स्टूडेंटों के लिए डालता हूँ, जिससे कि रिविजन हो जाए उनका। कोई दूसरे देखे या नहीं देखे अपने कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको बार बार रिविजन कर लिया करो तो अपना भला हो जाए। सारे के सारे साइंटिस्टों के नाम है ये, जितने भी मात्रक हैं, सारे के सारे साइंटिस्टों के नाम है मैक्सवेल। हाँ अब देखो एक वेबर के बराबर कितने मैक्सवेल होता है, एक वेबर बराबर 10 की पावर कितना मैक्सवेल होगा बोलो, सोचो सोचो सोचो, तुम्हें याद आ जाए कोई साइंस का बच्चा उसको। मैक्सवेल भी साइंटिस्ट था, एक होता है चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता है या चुंबकन क्षेत्र, इसके बाद होता है चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, फ्लक्स में जो चुंबक के फ्लक्स होता है ये सदिश राशि होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना।
अब चुंबकीय क्षेत्र आ गए सर, फिर आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है चुंबकन क्षेत्र। तो वो तो हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें किसी दूसरे चुंबक को ले आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चुंबक है आपके पास में, स्पीकर वाला चुंबक है, उसके आप कई बार टेस्ट को ऐसे रगड़ते हो, टेस्ट को थोड़ी देर ऐसे रगड़ते हो तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, चुंबक की तरह कार्य करने लग जाता है। तो वो क्या हो गया तुम्हारा चुंबकन, और उसका जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता आपका चुंबकन क्षेत्र। अब ये सुन, ये होता आपका चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र, इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। एक होता है चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता, ये चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, चुंबकीय पारगम्यता होती है जैसे सपोज करो आपका ये पदार्थ प्लास्टिक, इसको अपने यहां लेके आए और इसके पास लेके आए तो इसमें से जो बल रेखाएं गुजर रही है, वो बल रेखाएं इसमें से गुजरने की कोशिश करी, लेकिन ये अपने अंदर से पार नहीं होने दे रही, पार नहीं होने दे रही, तो इसमें क्या हो गया चुंबकीय गुण नहीं है। तो और दूसरा अपन लोहे का पदार्थ लेके आए, उसको एक सिरे से लगा के दूसरा सिरा जैसे लगाएंगे तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इसमें से गुजर जाती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं जैसे इसमें से गुजरने लगे तो जिस गुण के कारण इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, और उस गुण को क्या कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, ये अब देखो माध्यम का वह गुण जिसके कारण वो उसमें से चुंबकीय फ्लक्स को गुजरने देता है, माध्यम का वह गुण जिसके कारण उसमें से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है उसे क्या कहते हैं चुंबकशीलता कहते हैं, और लोहे की चुंबकशीलता वायु की तुलना में हजार गुना अधिक होती है, लोहे की तुलना में लोहा जो है उसकी चुंबकशीलता वायु की तुलना में हजार गुना अधिक होती है। क्या करें माध्यम का वह गुण जिसके कारण वह उसमें से चुंबकीय फ्लक्स को गुजरने देती है वायु की तुलना में हजार गुना होता है, इसलिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में लोहे का टुकड़ा रखने पर अधिकांश चुंबकीय फ्लक्स लोहे में से होकर गुजरते हैं, लोहे में यदि यहाँ रख दिया और ये पास में रख दिया तो चुंबकीय फ्लक्स है वो लोहे का टुकड़ा है तो उसमें से सारा का सारा गुजरने लगता है। ठीक है, ये होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। अब ये अपना हो गया, कल आप लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थ।